अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED BTC 2019। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी बच्चों के साथ, चाहे प्रथम सेमेस्टर में हो, आप द्वितीय में हो, तृतीय में, चतुर्थ में हो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि वसूली करने वाले DLED कॉलेजों की संबद्धता छीने की PNP कर रहा है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है कि काफी कॉलेजों में दोस्तों आप देख रहे होंगे वसूली की जा रही है, पैसे लिए जाते हैं, मतलब जो भी आप कह सकते हो उसको सुविधा शुल्क कहिए, या बच्चों से जबरदस्ती प्रैक्टिकल में ज्यादा पैसे लेना। मतलब दोस्तों क्या होता है, बच्चों को डराया जाता है। देखिए कोई बच्चा पैसा ज्यादा नहीं देना चाहता है, लेकिन आपके अंदर एक डर माहौल पैदा किया जाता है कि अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो हम आपके नंबर काट लेंगे। और दोस्तों ऐसा कर भी देते हैं कुछ कॉलेजेस वाले, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और बातें करेंगे। और फिर दोस्तों एक और सवाल आपके लिए, क्या आपके कॉलेज में भी अवैध वसूली हो रही है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स ओपन है, आज आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ के कॉलेज में कितना पैसा लिया जा रहा है। तो दोस्तों इससे ये फायदा होगा कि जो बच्चे नया एडमिशन लेंगे तो हो सकता है कि वो बच्चे उस कॉलेज में जाने से बच पाएंगे कि जहाँ बेमतलब के पैसे लिए जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि कुछ बच्चों के भी हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि क्या आपसे भी एक सवाल है दोस्तों, क्या आपके यहाँ टीचिंग के नाम पर 1,000 रुपए वसूले जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के सवाल हमारे पास आ रहे थे कि 1,000 रुपए दोस्तों हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में टीचिंग लगवाने के नाम पर लिया जा रहा है दोस्तों, जो कि इससे पहले कभी नहीं होता था। तो इस बार कुछ बच्चों के नए सवाल आए तो हमने सोचा इसको उठाया जाए। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताएगा कि क्या आपके यहाँ भी 1,000 रुपए लिया जा रहा है, यस नो। और दोस्तों बताएगा कि आप कहाँ से BTC कर रहे हैं, कॉलेज का नाम नहीं बताना है, बस ये बता दीजिएगा कहाँ से। दोस्तों इससे ये फायदा होगा, एक तरह से देखिए अवेयरनेस आनी चाहिए आपके अंदर। तो एक काम करिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि भाई वो भी थोड़ा बहुत जागरूक हो सके कि जो पैसे गलत है तो गलत है। देखिए भले आप पैसे दे दे, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको सही और गलत का पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि DLED प्रथम सेमेस्टर एग्जाम डेट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम डेट कब से, पेपर कब से होगा, कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले आज की जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसको आपके सामने डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है अपडेट। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय तैयार कर रहा है प्रस्ताव, वसूली करने वाले DLED कॉलेजों की संबद्धता छीनी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है, अच्छी बात है। DLED कोर्स कराने के नाम पर मनमानी करने वाले निजी कॉलेजों की संबद्धता छीनने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ऐसे 5 कॉलेजों की संबद्धता छीनने का प्रस्ताव शासन को भेजने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। प्रशिक्षुओं से लाखों रुपए ऐंठने वाले इन कॉलेजों की संबद्धता निरस्त करने की संस्तुति जिला स्तर से मिल चुकी है, शासन से अनुमति के बाद इन पर ताला लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए खाली एक बार वहां भाई, ठीक है ना, ताला लग जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कितनी बड़ी अपडेट ही है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यूपी में DLED कॉलेज चलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या NCT से मान्यता के साथ प्रदेश सरकार से संबद्धता लेनी होती है। संबद्धता परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जारी करता है। संबद्धता वापस होने पर कॉलेज का संचालन नहीं हो सकता। वसूली की शिकायत पर गाजीपुर के 2 कॉलेज है दोस्तों, मेरठ का कॉलेज है, कौशाम्बी का कॉलेज व देवरिया के एक एक कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने की संस्तुति संबंधित जिले के डायरेक्ट प्राचार्य व DM से मिल चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि जो कॉलेजेस वाले आजकल देखिए कौन कौन से पैसे आपसे लिए जाते हैं, इसको जरा देखिए जाए किस किस बहाने से सुविधा शुल्क बहाने से लेते हैं पैसा, देखिए जरा। प्रतिवर्ष DLED की फीस 41,000 दोस्तों, यहाँ गलत प्रिंट है। निजी कॉलेज इसके अलावा दोस्तों क्या करता है, उपस्थिति लगाने के नाम पर प्रति वर्ष आपसे 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक, जी हाँ दोस्तों ऐसे अधिक लेते हैं, ये 1 भी रुपए जायज नहीं है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं दोस्तों, आपने BA का कोर्स किया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने BA किया हो, कुछ बच्चों ने दोस्तों हो सकता है कि BSc करके आए हो, या कुछ बच्चे BTech करके आए हो, आप बता दीजिए दोस्तों आपको कहाँ पर आपसे पैसा लिया गया। BA में अगर कॉलेज नहीं जाते तो क्या आपसे 10,000 रुपए 15,000 रुपए की डिमांड की गई, कि BSc कॉलेज में नहीं जाते थे तो आपसे बोला गया भाई 15,000 रुपए दो, या BTech में 15,000, या आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स करके आओ। दोस्तों हम नहीं जानते कि आप क्या करके आए, तो दोस्तों हर एक ग्रेजुएशन कोर्स बराबर होता है, तो क्या आपसे कभी पैसा लिया गया? देखिए BTC कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पहले आपको एक बात हम क्लियर करें, जो BTC या DLED आपका नाम है कोर्स का, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहले दोस्तों बड़ी चीज हुआ करती थी, अब 2019 में दोस्तों इसका क्रेज बिल्कुल भी समाप्ति की ओर हो चुका है। रीजन क्या है पता है आपको? रीजन ये दोस्तों कि जब से BEd को मान्यता मिली कि भाई BEd के जो बच्चे हैं वो बच्चे भी आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक या कक्षा 1 से लेकर 5 तक सभी में उनको अप्लाई कर दिया गया, मतलब मौका दिया गया, तब से अब तो DLED ऐसे भी कोई नहीं करना चाहता। अब जो बच्चे फंस चुके हैं DLED के नाम पर, अब वो बच्चों से भी अवैध वसूली की जा रही है, तो कॉलेज का लाइसेंस तो दोस्तों समाप्त होना ही होना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत आपको अवेयर होना पड़ेगा कि यार कौन से पैसे सही हैं, कौन से पैसे गलत हैं, कहां पर कितने पैसे हमें देने हैं,
ये बहुत ही मेहनत की कमाई होती है दोस्तों। तो देखिए कुछ बच्चे पैसे जरूर देते हैं लेकिन ये सब सही नहीं होता है। देखिए आपने इससे पहले भी बीए किया, बीएससी किया, बीटेक किया, कुछ भी किया हो, आप तो कभी पैसे नहीं दिए। 41,000 रुपये दोस्तों आपने किस लिए दिया पहले आपको पता है? 41,000 रुपये जो फीस देते हैं आप लोग पहले सबमिट करते हैं कॉलेज में आने से पहले, वो कम तो होता नहीं है 41,000 रुपये एक साल के, ठीक है ना। और दोस्तों आपको जहां भी आपने डीएलएड इस समय कोर्स कर रहे होंगे कभी एक बार अपने टीचर से क्वालिफिकेशन मांग कर देखिएगा कि उन्होंने कितना पढ़ रखा है जो आपको पढ़ाते हैं। कोई बच्चा दोस्तों हमें नहीं लगता कि डीएलएड में कॉलेज जाकर कुछ सीख सकता है। अगर वहां इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही होती तो कोई बच्चा तो घर तो बैठेगा नहीं कि बाहर पैसे कोचिंग वाले को दे या कुछ और। यूपी टेट की तैयारी दोस्तों क्यों करते हैं लड़के? कोचिंग क्यों इतनी चलती है? क्योंकि आपके कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं डीएलएड में। अगर पढ़ाई हो जाए ना, पूरा डीएलएड का ही सिलेबस तो यूपी टेट और सी टेट में आता है, कुछ बाहर से थोड़ी नहीं आता यूपी टेट और सी टेट में। तो वही बात है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बात होती है भैया। कि शिक्षण शुल्क 15 से 30 हजार रुपये प्रति वर्ष, प्रैक्टिकल के नाम पर अलग से पैसा, एडमिट कार्ड अलग, आई कार्ड के नाम पर अलग पैसा। और दोस्तों बता दें कुछ कॉलेजेस में आपकी ड्रेस को लेकर भी पैसा लिया जाता है, कॉलेज वाले ड्रेस देते हैं और बच्चों की शिकायत मिलती है कि आप क्या बोले, हिंदी में बोला जाए तो 2 कौड़ी की ड्रेस जो होता है ना, तो वैसे ही देते हैं, मतलब कुछ क्वालिटी नहीं रहती। 5 से 6 हजार रुपये सबमिट करा लिया जाता है किताब देने के नाम पर, ये देने के नाम पर। किताब आप देते हैं क्योंकि कॉलेज वाले, आपके यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर कॉलेज खुलने का दोस्त एक नियम होता है कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं तो कॉलेज ही नहीं खुल सकता। जब लाइब्रेरी है तो बच्चा किताब खरीदेगा क्यों, वहां से इशू करा के पढ़ सकता है। तो देखते हैं भाई कमाने की जरिया है। तो दोस्तों बिल्कुल भी मार्केट नहीं बनाना चाहिए। देखिए शोषण के लिए प्रशिक्षु भी जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों आप लोग खुद भी जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है देखते हैं। निजी कॉलेजों डीएलएड कॉलेज में शोषण के लिए प्रशिक्षु भी कम जिम्मेदार नहीं है। बड़ी संख्या में प्रशिक्षु जो प्रवेश लेने के बाद क्लास नहीं करना चाहते और अटेंडेंस पूरी रखने का अनुरोध करते हैं। देखिए ये बात सही है यार, क्लास नहीं करना चाहेंगे अटेंडेंस भी लग जाए, जिस पर कॉलेज अटेंडेंस लगाने का सुविधा शुल्क लेते हैं। दोस्तों इसमें सुविधा क्या है यार, 41,000 रुपये किस बात के लिए, हमें नहीं समझ में आ रहा। इस प्रकार बिना पढ़ाई के प्रैक्टिकल और परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के ये घूसखोरी को बढ़ावा देते हैं। देखिए आपको हम बता दें कि जो आपके कॉलेजेस में नकल वकल बिल्कुल नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए भाई नकल हो सकती है, तो आपका जो सेंटर जाता है ना वो सरकारी कॉलेजेस में जाता है, तो बहुत ज्यादा आप हिल लेंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात उनके लिए दोस्तों करते हैं कि जो बच्चे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में, तो टीचिंग में क्या करना होता है उनको ये समझना होगा। कितने दिन में पेपर होता है दोस्तों और कितने विषय में पास होना जरूरी होता है। दोस्तों ये मत समझिए कितने विषय में पास होना जरूरी होता है, बस इतना समझ लीजिए कि आपको 2 से अधिक सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल होते हैं, ठीक है ना, या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स में अगर आपके बैक लगते हैं तो आपके सेमेस्टर बैक होगा। अगर आपको फेल भी होना है तो 2 सब्जेक्ट्स में अधिक से अधिक हो सकते हैं, तीसरे में अगर हो गए तो आपको उसी सेमेस्टर को दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने दिन में पेपर होता है दूसरा सवाल था दोस्तों, ये आपका पेपर 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। आप किसी भी सेमेस्टर में हो 3 दिन से ज्यादा पेपर नहीं चलेगा। टीचिंग में क्या करना होता है दोस्तों, बस टीचिंग में कुछ नहीं रहता, जहां पर भी आपको टीचिंग मिल जाती जाना होगा पर डे, मन करे तो जाइए दोस्तों, ना करे तो फिर आप कॉलेज से बात करनी पड़ेगी जहां पर आपका लगता है टीचिंग, तो वहां कैसी व्यवस्था है कैसी क्या है। देखिए होता है क्या ना, टीचिंग करने के लिए सभी को दोस्त होता है। अगर आपके मतलब पता चले कि कोई बच्चा ही नहीं पढ़ने आता स्कूल में, कॉलेज में 2 बच्चे आ रहे हैं 3 बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ आपका भी समय की थोड़ी बर्बादी होती है। समय की दोस्तों वैल्यू रखिए, यूपी टेट सी टेट की तैयारी करते रहिए, अपना सेमेस्टर देखिए। देखिए हम बता दें आपका पेपर कैसे होगा। जैसे जो प्रथम सेमेस्टर में बच्चे आते हैं उनको समझ लेते हैं कि जो दोस्तों आपका पहले दिन का पेपर होगा वो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, दूसरे दिन में दोस्तों जो पेपर होगा विज्ञान गणित और सामाजिक अध्ययन, तीसरे दिन दोस्तों जो पेपर होगा हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर, ठीक है। दोस्तों जैसे डेट शीट ऑफिशियल आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। देखिए बाल विकास ये आपका पेपर 2 घंटे का होगा, शिक्षण अधिगम ये भी 2 घंटे का होगा, सामाजिक अध्ययन का पेपर भी दोस्तों 2 घंटे का होगा, और बाकी जितने विषय आपको दिख रहे हैं हिंदी संस्कृत कंप्यूटर ये सब 1 घंटे के होंगे, विज्ञान गणित भी 1-1 घंटे का पेपर होगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। जो आपका पेपर 1 घंटे का होता है वो 25 अंक का होता है, और जो 2 घंटे का पेपर होता है वो 50 अंक का होता है, ठीक है। समय के साथ दोस्तों 1 घंटे की वैल्यू 25 नंबर है, तो 2 घंटे की वैल्यू 50 नंबर हो जाती है। और एक बात और समझिए, जो 25 नंबर का पेपर होता है दोस्तों उसमें पास होने के लिए कम से कम आपको 12 नंबर लाना होता है, जो 50 अंक का पेपर होगा उसमें 25 अंक की पासिंग मार्क रखी जाती है। तो कहीं से भी अगर आपने गलती की तो समझ लीजिए आप फेल हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते दोस्तों कि एक भी बच्चा जो हमसे जुड़ा है वो फेल ना हो। और देखिए अगर आपके कॉलेज में अवैध वसूली हो रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए आप लोग कुछ बच्चे ये सोचते होंगे अगर कॉलेज बंद हो जाएगा तो आपका क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि आपका साल जो जिस साल में वो भी तो बर्बाद हो गई अगर आपके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाती है। इन केस अगर समझिए आप लोग इस तरह भी कि अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, ठीक है ना, अगर आपसे अवैध वसूली की जाती है आप जाकर शिकायत अपने यहाँ के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करते हैं, तो या डायरेक्ट डायरेक्ट से मत करिएगा, डीएम से ही करिएगा सीधे, तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर मान लेते करना भी है तो,
डाइट में जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सभी डाइट और प्राइवेट कॉलेजेस एक दूसरे से मिले होते हैं, तो फिर तो आपके लिए दिक्कत होगी। और करने से पहले दोस्तों आपके पास पावर क्या उसको भी देखिएगा, ठीक है ना। तो करें तो दोस्तों ये भी होगा कि अगर कॉलेज की मान्यता रद्द होती है तो आपका भी नुकसान तो होगा ही, और हो सकता है कि आपकी फीस को भी वापस करा दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताएगा कि यार आखिर आपके कॉलेजेस में क्या हो रहा है, आपके यहाँ कितने पैसे लिए जा रहे हैं। अगर लिए जा रहे हैं तो वैसे लिए नहीं जाने चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि कोई बच्चा ऐसा कमेंट करके ना बताए कि उनके यहाँ पैसा लिए जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये सब गलत है। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा दोस्तों कि हर एक आपके दोस्तों तक पहुंचे ये बात, क्योंकि वो बच्चे भी अवेयर हो सके। देखिए इससे क्या होता है कि अभी दोस्तों होता नहीं कि उनको सच्चाई पता चले कि यार नहीं यार ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तब भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आप शेयर करिए, अगर नहीं कर रहे तो अच्छी बात है। तो आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो कॉलेज के, डायट के या प्राइवेट कॉलेज के, उसमें शेयर करके बताइएगा दोस्तों, ताकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक कमेंट्स मिले, और उससे आप लोग दोस्तों खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पर कितने पैसे लिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पर सेमेस्टर हो तो वो बताइएगा, पर ईयर हो तो वो बताइएगा। तो कोई को डरना नहीं है, कोई यूट्यूब इतना नहीं देख रहा है कि आपको पता चल जाएगा, खाली आप बता दीजिएगा कि कहाँ पर कितने पैसे लिए जा रहे हैं, तो आपके दोस्त जो आपके साथ जुड़े हैं यूट्यूब पर, सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल, तो हम लोग भी तो जानेंगे ना आखिर क्या कहाँ पर कितना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और हाँ, पेपर आते दोस्तों आपको अपडेट किया जाएगा, और तैयारी करते रहिए। अगर आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है तो दोस्तों हमने यूपी टेट मैथ की एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, लगभग 6.5 घंटे की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, 6 घंटे 30 मिनट की वीडियो है, उसको शुरू से लेकर आप अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। तो यूपी टेट मैथ की तैयारी भी जरूरी है, कि आने वाले टाइम में यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के दम पर ही आपको नौकरी मिलेगी, वो भी चीज ध्यान में रखना। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।